भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुरे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे पोहरा देवी की कसम खाकर झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने राजनीति का स्तर नीचे गिरा दिया है। देखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई व्यक्ति है तो उद्धव ठाकरे जी है। मैंने इतना झूठ बोलते हुए कोई नेता को नहीं देखा। अब पोहरा देवी माता जी की वो कसम खाते हैं, माँ बाप की कसम खाते हैं, कितना झूठा है। राजनीति का स्तर इतना गिर गया कि उनको अभी कसम खाना पड़ रहा है। मैं बार बार कहता हूँ और दंके की चोट पे हम कहते हैं, अमित भाई कभी झूठ नहीं बोल सकते। अमित भाई का जो ये है, उनका खुद का रवैया है, कभी झूठ बोलने का नहीं है। वो जो बात करते हैं वो सामने करते, पीछे से वार नहीं करते। कभी भी अमित भाई ने मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं बोला। ये सारा चित्र स्पष्ट बार बार किया हुआ है, देवेंद्र जी ने किया, सबने किया है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब उद्धव ठाकरे ने खुद 2019 के विधानसभा चुनाव की चार सभा की क्लिप हमारे पास है, चार सभा की, कि अगले मुख्यमंत्री, अगले महाराष्ट्र के जो विधानमंडल के नेता देवेंद्र जी है, देवेंद्र जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और देवेंद्र जी का ही नेतृत्व है, फिर जब देवेंद्र जी का नेतृत्व जब आपने कहा है तो कहाँ से मुख्यमंत्री आपको मिलेगा? किसने कहा मुख्यमंत्री बन आपका होगा? आपने ही डिक्लेयर किया ना। और अमित भाई ने अगर आपको बोला होता तो तब सभा से क्यों नहीं खड़े हो गए आप कि देवेंद्र जी का मुख्यमंत्री देवेंद्र जी बनना मुझे मान्य नहीं, हम ये युति नहीं कर रहे। आपने उस पब्लिक मीटिंग से भी उठना था और बोलना था कि नहीं, हमारा ये नहीं ठहरा हुआ है, मुझे 2.5 साल मुख्यमंत्री देने वाले हैं, तब क्यों नहीं किया? जब तुम्हारे पास से पार्टी चली गई, तुम्हारे पास से तुम्हारा सिंबल चले गया, आपके पास से सारे कार्यकर्ता खिसक गए, आमदार खिसक गए, खासदार खिसक गए, विधायक नहीं रहे, सांसद नहीं रहे, अभी वो फर्स्ट स्टेशन में वो किसकी भी कसम खा सकते हैं।